प्रेम से बोलिए श्री आनंदमयी मात की। मां से प्रश्न है, मां क्या अपने आप समर्पण हो जाना कृपा से ही संभव है? मां, अपने आप आत्मसमर्पण हो जाना तो भगवत कृपा से ही होता है। जो व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है वह साधन भजन में जल्दी उन्नत होता है। अपना बोल के जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, संपूर्ण आत्मसमर्पण करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक कार्य में, बुद्धि के प्रत्येक व्यापार में, प्रत्येक भाव में, जब तक देहात्म भाव है तब तक सब कार्यों में समर्पण बुद्धि रखनी चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति जो पथ ग्रहण करे उसको हर समय 24 घंटा उसमें ही मशगूल रहना चाहिए। किसी भी मार्ग से तुम जा सकते हो, चाहे वेदांत के मार्ग से, चाहे आत्मसमर्पण के मार्ग से, सब रास्तों में सत्य का आश्रय तो लेना ही होगा। जो अच्छा लगे, मन को अनुकूल लगे, उसी रास्ते से चलने की कोशिश करनी चाहिए। जब भगवान के प्रति सच्चा अनुराग होगा तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। वैराग्य आने से पूरा विवेक भी आ जाएगा। जैसे अग्नि जलने से सब कुछ जला देती है, वैसे ही जब ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है तब सब कुछ जलाकर आत्मज्ञान करा देती है। तब त्याग रूप वैराग्य का भी त्याग हो जाता है, त्याग भी स्वयं प्रकाश हो जाता है। त्याग करना और त्याग होना ये दो वस्तुएं भिन्न हैं। जब तक त्याग अपने आप ना हो जाए तब तक त्याग करने का प्रयत्न छोड़ो मत। यदि कर्म करना हो तो भगवत कर्म करो, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पण बुद्धि से कर्म करना चाहिए। जब तक पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुकना मत। जब तक स्वयं प्रकाश ना मिले, जब तक आत्मज्ञान ना मिले, तब तक साधन भजन करते रहो। बस आगे कदम बढ़ाते जाओ। अखंड भगवत प्राप्ति हो ऐसा रास्ता लेना चाहिए। जैसे भूखे आदमी को अन्न नहीं मिलने से वह व्याकुल हो जाता है, वैसे ही जब तक भगवत प्राप्ति ना हो तब तक परम व्याकुलता के साथ भगवान को पुकारना चाहिए। जिसमें व्याकुलता रूप अग्नि नहीं है वह साधना में आगे नहीं जा सकता। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जब तक अखंड रूप से भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक इस आध्यात्मिक पथ को नहीं छोड़ूंगा। साधन भजन के अनुकूल जितनी आवश्यकता हो उतना ही तोलकर भोजन निद्रा लेना चाहिए। निद्रा भी भोजन ही है, प्रत्येक इंद्रिय को भोजन मिलना है। नियमित और तोलकर भोजन लेना चाहिए। साधारण साधक के लिए मध्य पथ ही ठीक है, असाधारण साधक की बात अलग है। प्रश्नकर्ता, मां जब सिर में दर्द होता है तब पूजा करने का मन नहीं होता, जब ध्यान भी बंद हो जाता है क्या किया जाए? मां, यह तो मन की बात है, जब तक करने की शक्ति है। संसार के सब काम सिर में दर्द होते हुए भी करते हैं, फिर भगवान की पूजा क्यों नहीं हो सकती? सिर्फ भगवान का नाम जप करते समय ही अशक्ति आ जाती है? प्रश्नकर्ता, मां दुनिया का काम तो करना ही पड़ता है, बिना किए छुटकारा नहीं। मां, यह काम भी करना ही चाहिए। मन में सोचना चाहिए कि जब तक मुझ में काम करने की शक्ति है, इधर उधर घूम सकता हूं, खाने के लिए उठ सकता हूं, हाथ पैर हिला सकता हूं, तो फिर सिर्फ भगवत नाम जप क्यों छोड़ूं? प्रश्नकर्ता, मां नौकरी पर तो जाना ही पड़ता है, स्त्री जो काम कहे करना ही पड़ता है, एक दिन पूजा ना करने से क्या हर्ज है? मां, तुमको जो समझ में आए वह करो, इस शरीर का तो दिमाग खराब है। यदि कोई कर्म छोड़ना है तो खराब कर्म को छोड़ो, दुखमय कर्म का त्याग करो। तुम जो कह रहे हो वह तो संसार दृष्टि है, इसलिए ऐसा दिखता है,
परम धन परमात्मा की ओर दृष्टि रहे तो ऐसी बातें नहीं आती। परम धन परमात्मा के लिए जो कुछ संभव हो करना चाहिए। एक बहन, जो परम धन परमात्मा की ओर एकतान भजन करते जाते हैं तो पति और पुत्र गुस्सा करते हैं। मां, भगवान के भजन में बैठी हो तो फिर पति और पुत्र का डर कैसा? मन पति पुत्र में रहे तो फिर वह पूजा ही कैसी? संसार में रहते हुए पति पुत्र की सेवा भी भगवत भाव से करनी चाहिए। पति की सेवा भगवान की सेवा की तरह ही करनी चाहिए। पुत्र की सेवा करते समय ख्याल रहे कि बाल गोपाल की सेवा कर रही हूं। जब तक मन में डर है तब तक सेवा नहीं होती। तत् दृष्टि से सेवा करनी चाहिए। प्रश्न करता, मां, परम धन की प्राप्ति करने जाएं और स्वामी व पुत्र भूखा रह जाए तो वह कैसे? स्वामी नाराज होगा। मां, जब भूखा रहेगा तब देखा जाएगा। पहले तुम तत्बुद्धि से सेवा तो करो। तत्बुद्धि से सेवा करते करते पति भूखा नहीं रहेगा। माला लेकर जप करने बैठो और पति पुत्र भूखा रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तत्बुद्धि से सेवा करती जाओ। प्रश्न करता, मां, हम लोग गंगा जी के किनारे रहते हैं फिर भी कुएं का पानी क्यों पीते हैं? ऐसे भाग्यहीन क्यों? मां, यही तो बात है कि तुम लोग अमृत की संतान होकर मृत्यु की ओर जा रहे हो। प्रश्न करता, मां, अमृत को ढूंढने की इच्छा ही हम लोगों में नहीं है। मां, तुम राजा की संतान होकर भिखारी की तरह क्यों घूम रहे हो? प्रश्न करता, मां, तुम ही बताओ हम लोग क्यों ऐसे घूम रहे हैं? मां, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। राजा के पुत्र को राजा की तरह ही रहना चाहिए। तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो। जिम्मेदारी माने अपना स्वरूप, अपने स्वरूप को पाने की कोशिश करो। प्रश्न करता, मां, स्वरूप का प्रकाश कैसे हो? मां, कैसे प्रकाश हो यह प्रश्न बार बार अपने मन से पूछा करो। बचपन में माता पिता बच्चों के लिए सब व्यवस्था करते हैं। जो पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है वह विद्या पढ़ाते हैं। वैसे ही तुम भी अपने मन को समझाओ, पढ़ाओ। ऐसा करने से स्वरूप प्राप्ति में सहायता होगी। भगवान तो स्वयं प्रकाश हैं, सर्वदा उनको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने से भगवान का प्रकाश अवश्य होगा। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए यदि मन को एकाग्र नहीं कर रहे हो तो जीवन में बड़ी भूल कर रहे हो। तुम लोग अपने असली घर जाने की चेष्टा ही कहाँ कर रहे हो? तुम तो बाहर ही बाहर घूम रहे हो। अपने सच्चे घर में जाओ तो वहां प्रकाश ही प्रकाश है। अपने घर जाने के लिए कब जाना इसका प्रश्न ही नहीं उठता। जब ख्याल आ जाए उस तरफ चलना शुरू कर दे। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।